हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में। BSTC 2024 जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहां पर BSTC 2024 में फर्स्ट लिस्ट में हो गया है और इसी के साथ सेकंड लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल गया है, तो उन अभ्यर्थियों के अब यहां पर फर्स्ट ईयर के जो कॉलेज हैं साथियों वो स्टार्ट यहाँ पर हो गए। कॉलेज इस दिन से हो गए शुरू, आ गया है ऑफिशियल नोटिस। इस दिन से साथियों आपको जाना है कॉलेज, क्या डोनेशन देना है या फिर आपको रेगुलर जाना है, A to Z संपूर्ण जानकारी आपको सटीक जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब एक बात और मैं यहाँ पर साथियों आप सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी आ रहा है, क्या वो अभ्यर्थी जो अब की बार BSTC फर्स्ट ईयर में अपियरिंग में हैं, अब की बार जिनका एडमिशन राजस्थान BSTC 2024 में हुआ है फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में, क्या ये अभ्यर्थी जो अब की बार रेट पात्रता आने वाली है क्या इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे? तो मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि जो रेट अब की बार पात्रता राजस्थान में साथियों आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम आपका 2025 फरवरी मार्च के आसपास होने वाला है, तो इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे और रेट पात्रता का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी प्रकार के साथियों आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से साथियों ऑल टाइम टॉपर्स ने आपका BSTC में सिलेक्शन करवाया है, इसी तरीके से ऑल टाइम टॉपर्स आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर साथियों रेट 2024 पात्रता परीक्षा स्पेशल बैच, जिसमें आपको मिलने वाली प्रतिदिन लाइव क्लासें और पैनल PDF है, ई नोट्स 15, यानी कि साथियों यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी इसमें साथ में मिलने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक का यहाँ पर अलग से टेस्ट भी मिलने वाला है। नए पैटर्न पर आधारित व अनुभवी टीम की आपको यहाँ पर क्लासें देखने को मिलने वाली है। लाइव प्लस में रिकॉर्डेड बैच आपके लिए रहने वाला है मात्र और मात्र साथियों। वैसे तो जो अपना बैच है ये 799 रुपये का है, लेकिन आप इस बैच को 2 दिन के अंदर यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं फिर इस बैच को, तो साथियों मात्र और मात्र 499 रुपये में आप 2 दिन के लिए ऑल टाइम टॉपर्स के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से साथियों आपके अच्छे नंबर आए हैं ऑल टाइम टॉपर्स के माध्यम से BSTC में पढ़कर, उसी प्रकार से आपका रेट पात्रता एग्ज़ाम भी आपके यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। और इसमें आपको रेट पात्रता के साथ साथ रेट मेंस का कोर्स भी आपको साथ यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा मात्र और मात्र 499 रुपये में। ये ऑफर आपके लिए 2 दिन के लिए यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए आपको ऑल टाइम टॉपर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। अब बात करते हैं साथियों नए सेशन को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया नोटिस आपका जारी किया गया है साथियों, और ये नोटिस आपका जारी हुआ है कल। इसमें कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, आगे आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से दे भी रखा है साथियों, विषय DLED प्रथम वर्ष सत्र 2024-25 हेतु कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में, समन्वय प्री DLED परीक्षा 2024 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से प्राप्त पत्र क्रमांक VMU DLED 2024-396 दिनांक 24/8/24 के संबंध में। आगे इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि निर्देशानुसार DLED प्रथम वर्ष सत्र 2024-25 की जो आपकी क्लासें हैं साथियों ये यहाँ पर आपके स्टार्ट होने वाली हैं। दिनांक कक्षाएँ आपकी दिनांक 2 सितंबर 2024 से आपके प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों का बार बार यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि सर हमको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गया है, कॉलेज वालों की तरफ से अभी तक कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया, तो हमें आखिर कॉलेज कब जाना है, तो अब साथियों जो आपके कॉलेज वाले हैं वो आपको कॉल करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। और आपको जो कॉलेज यहाँ पर जाना है वो आपको जाना है साथियों 2 सितंबर से आपके यहाँ पर कॉलेज अभी स्टार्ट हो जाएंगे। अतः DLED प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ की जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आपके जो कॉलेज हैं वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी अभ्यर्थी अपने अपने कॉलेज वालों से एक बार संपर्क कर लें। अब बात आती है साथियों यहाँ पर डोनेशन को लेकर, तो डोनेशन को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं साथियों जो डोनेशन से मान जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डोनेशन नहीं लेते हैं। तो खासकर जिन अभ्यर्थियों को डाइट मिली है तो वहाँ तो साथियों आपका डोनेशन चलने वाला ही नहीं है, वहाँ तो आपको क्या है कि रेगुलर ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं साथियों उनमें कुछ ऐसे होते हैं कॉलेज जो डोनेशन से भी काम चल जाता है, तो ये डोनेशन की जो बात आपको करनी है साथियों आप अपने स्तर से कर सकते हैं, क्योंकि डोनेशन का हर कॉलेज का अपना अलग अलग सिस्टम यहाँ पर होता है। इसके अलावा साथियों कॉलेज वाले कॉलेज किट भी देते हैं, जो भी एक प्रकार से कॉलेज वाले दबाव बनाते हैं कि आपको कॉलेज
सर्टिफिकेट लेना ही जरूरी है। बाकी यदि फिर भी आपका कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। थैंक यू।